place where they told you what to chase. तो जी अगली सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं दोबारा सड़कों पे हूँ। चलना काफ़ी पड़ रहा है और आप भी इस नीयत से आएँ कि अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो चलना काफ़ी पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है, चलना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगहों पे आपको फिर ट्रांसपोर्ट फिगर आउट करते करते बाज़ू का टाइम लग जाता है, और अगर आप छोटी लोकेलिटी में हैं तो चलना इज़ बेटर। पेरिस में जिस तरह पास मैंने ले लिया था ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बड़ा सिटी है, वहाँ पे ज़रा मूवमेंट आपको पैदल नहीं हो सकती। बाकी ब्रूज में वो तो बिल्कुल ही छोटा सा टाउन है तो वहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा यहाँ पे भी अभी तक मेरा होटल लकीली ऐसी लोकेशन पे है कि मेरी आसपास जितनी भी जगह हैं वो मैं पैदल जा सकता हूँ, सो ये अच्छी बात है। आगे अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बोट टूर लेने के लिए। मुझे होटल का जो मैनेजर था जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ उसने मुझे बताया है एक जगह का कि वहाँ जाओ वो अच्छा है, और उसने साथ ही मुझे एक डिस्काउंट कूपन भी दिया है जिस पे मैं मुझे 5 या 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो अभी चलता हूँ उस तरफ और देखता हूँ कैसा रहता है बोट टूर। ये है वो बोट टूर जिसका उसने मुझे बताया था, अब मैं जाके पता करता हूँ इनकी क्या टिकट्स वगैरह का क्या सीन है और कब स्टार्ट होगा। सो लेट्स गो। सो इनके पास अभी जो है वो ओपन बोट जो है वो वाला टूर अवेलेबल आज नहीं है, आज नहीं होता वो, कवर्ड है, वो भी शीशे का होता है, खैर आपको नज़र ज़रूर आता है बट वो स्टिल कवर्ड होता है, तो वो मैं लेना नहीं चाह रहा। तो अब मैं कोई और फिगर आउट करता हूँ, गूगल मैप्स पे अभी देखता हूँ कोई और बोट कंपनी आसपास है और उनके पास अगर ओपन एयर वाली बोट अवेलेबल है तो वो मैं लूँगा, क्योंकि मज़ा तो फिर उसी में ही है। एम्स्टरडेम का मेन म्यूज़ियम है, ये 1798 में हेग में कायम किया गया था, जो कि एक और सिटी है नैदरलैंड में यहाँ पे, और फिर इसको 1808 में यहाँ एम्स्टरडेम में मूव कर दिया गया था। यहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कलेक्शन में मौजूद हैं और काफ़ी लोग इसको देखने आते हैं हर साल। तो अभी मैं ये साथ ही बिल्कुल एक और जो है ना वो बोट ऑपरेटर बैठे हैं, तो इनसे मैं चेक करता हूँ और अगर मुझे ओपन वाली मिल जाती है तो वो लेके उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ भी अगर जाने का मौका मिला तो यहाँ भी अंदर जाऊँगा। बोट ट्रिप जो है ना वो अभी एक मुहिम बनता जा रहा है। अभी मैं जहाँ गया था तो वो कार्ड वहाँ पे मेरा चला नहीं, और तो मेरे पास उस वक्त एक ही कार्ड था और नॉर्मली मैं यही कार्ड हर जगह यूज़ कर रहा हूँ और कैश भी एक्सेप्ट करते नहीं हैं। सो अब मैं दोबारा अपने होटल जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे पास एक और कार्ड पड़ा उसको लेके आता हूँ, होटल मेरा 10 मिनट दूर है वॉक पे, तो वहाँ पे जाके देखता हूँ अब वो लेके आऊँगा तो वो चलता है कि नहीं चलता है, लेट्स सी। यहाँ पे आपको देसी रेस्टोरेंट्स भी नज़र आएंगे, ये है इंडियन रेस्टोरेंट्स, ये मेरे बिल्कुल होटल के पास ही है। तो आज मेरा प्लान है कि जो लंच करूँगा मैं वो किसी देसी रेस्टोरेंट में ही करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं अब कोई देसी चीज़ खाए हुए और बस बहुत हो गया। So boat tour हमारा start हो गया, so let's see how it goes. We're gonna do the tour in the whole town, small canals, big canals, a river, everything. If you have questions, ask them. It's quite relaxing. Not good for business, but.
यहाँ पे बोट हाउसेज हैं, यहाँ पे लोग जो हैं वो रहते भी हैं और फिर ये आगे रेंट आउट भी करते हैं एज ए होटल रेस्टोरेंट्स, और ये भी एक कूल वे ऑफ लिविंग है। ये कैसे हिप्पी स्टाइल ऑफ लिविंग स्टार्ट हुआ था और अब ये जो है वो प्रॉपर सेटअप बन गया। इसके अंदर पानी का, बिजली का सारा इंतज़ाम मौजूद होता है। और ये कोई ऑफिस है। कूल, दोनों तरफ बोट हाउसेज हैं और इनमें से अक्सर तो बेड एंड ब्रेकफास्ट है, आप रह भी सकते हैं और रेंट आउट भी कर सकते हैं। द लोकेशन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्राइस। यस, आई थिंक सो। आउटसाइड ऑफ एम्स्टर्डम द हाउस बोट्स विल बी मोर चीपर। यस, इट्स स्क्वायर मीटर्स ऑन सेल 2 इयर्स गो फॉर मोर देन हाफ अ मिलियन। वो जो रस्ती सेटअप था वो हाफ अ मिलियन डॉलर का था। क्रेजी। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. ये जितने भी आप structures और घर साइडों पे देख रहे हैं ये सब पानी में ही बने हुए हैं, और ये पहले wooden structures के ऊपर खड़े होते थे और अब इनको concrete structures में convert कर दिया गया है क्योंकि वो ज़्यादा safe है, long lasting है। Bridge in Dutch is the magere brug, in English skinny bridge because the first version was just a meter wide. Okay. It's only for bikes and pedestrians. Mm-hmm. With a legend, when you kiss under the bridge as a couple, you stay together forever. So, yep, it's true. That shall do it. And that's why it happened. मौसम भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जो है वो अच्छा अच्छा टूर है, आपको भी लेना चाहिए। छोटी बड़ी बोट्स और क्रूज हर तरह के टूर्स हैं जो भी आप लेना चाहें। ये ब्रिजेस भी आपको नज़र आएंगे, ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए और साइकिलिस्ट के लिए होते हैं। ये मूव भी हो जाते हैं, इसको आप अगर कुछ किसी बड़ी बोट में गुजरना है तो वो इसको ऊपर उठा भी सकते हैं आप। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बोटैनिकल गार्डन का पार्ट है, और वो बोटैनिकल गार्डन जो है वो 400 साल पुराना है। सो बिल्डिंग ऑब्वियसली नहीं है और बट गार्डन जो है वो ओवरऑल बहुत पुराना है। सो ये यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। अब हम जो है वो हार्बर की तरफ जा रहे हैं जो कि मेन हार्बर है जहाँ पे ट्रेड वगैरह, जहाँ से स्टार्ट भी हुई जब गोल्डन एज था और फिर अभी भी होती है वहाँ से ट्रेड। ये मैरीटाइम म्यूज़ियम है, ये तकरीबन 400 साल पुराना है और ये एक साथ एक ओल्ड स्कूल से शिप भी है इसके साथ।
का जो ओरिजिनल वाला था वो सिंक कर गया था पहली ट्रिप पे। ये जो बिल्डिंग है ये भी म्यूजियम है, पार्ट ऑफ म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम, और काफ़ी स्ट्रेंज लुकिंग है, काफ़ी बड़ी है, और इसके नीचे से जो है वो रास्ता जा रहा है जो एक पार्ट ऑफ एम्स्टर्डम को दूसरे पार्ट से मिलाता है। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions. ये जो बिल्डिंग है ब्लैक, ये थोड़ा सा टिल्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसी वजह से है क्योंकि नीचे लकड़ी के स्ट्रक्चर पे है, तो थोड़ा इसकी फिर मेंटेनेंस करते हैं और ये इसको सही करते हैं ये बार बार। ये टोल हाउस होता था किसी दौर में, और जो टोल कलेक्ट करता होता था शिप्स जो आते थे उनसे, ये उसका घर था। और अब ये जो है एक बार, ये देखें तो आपको घर नज़र आएंगे टेढ़े मेढ़े ज़रा, तो ये इसी वजह से ही है कि इनके स्ट्रक्चर नीचे से काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो इसको मुसलसल रिपेयर की ज़रूरत रहती है। ये ओपरा एंड बैले हाउस है, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये कैनाल का मेन पार्ट है, यहाँ पे दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो ये मोस्टली ऑफिसेज हैं, होटल्स हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। ये booking.com का हेड ऑफिस है, ये एक और बिल्डिंग बना रहे हैं बहुत बड़ी, वहाँ पे शिफ्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे ये डच कंपनी है, सो यहाँ पे इनका हेड ऑफिस है। सामने एक जैसे सात ब्रिजेस हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो आपको ये नज़र भी आ रहे होंगे यहाँ से। This line of work on an open boat is very different than on a closed boat, because they do audio guiding, some of the captains do some of the guiding. ब्रिज जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं, तो आपको ज़रा झुक के गुजरना पड़ता है। वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था बोट का। सो ये अख्ताम को पहुंचा, अच्छा था, मज़ा आया, काफ़ी अच्छा था, और आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है जो कि आप पैदल या गाड़ी पे नहीं देख सकते, तो ज़रूर लेना चाहिए। नेदरलैंड जो है वो मोस्टली पानी के इर्द गिर्द बना हुआ है। एम्स्टर्डम और उसके अतराफ़ की अगर बात करें तो तकरीबन 100 किलोमीटर का जो है वो नेटवर्क है कैनाल्स का, और उसके दोनों तरफ जो है ना वो बिल्डिंग्स हैं छोटी बड़ी, जो किसी दौर में वेयर हाउसेज वगैरह होते थे, और अब वो रेस्टोरेंट्स, होटल और ये सारे ऑफिसेज वगैरह हैं। और क्योंकि ये सारे पहले लकड़ी के पिलर्स पे खड़े किए हुए थे, और वक्त के साथ साथ उनमें ख़राबियाँ भी आईं, वो उनकी रिपेयरिंग भी हुई, मेंटेनेंस हुई, और अभी भी
तकरीबन अभी जो हमारे बोट का कैप्टन था उसके मुताबिक तकरीबन 70-80% जो बिल्डिंग्स हैं एम्स्टर्डम में कैनाल्स के किनारे उनको रिपेयर की ज़रूरत है, और वो क्योंकि काफ़ी बिजी होता है नॉर्मली और तो पॉसिबल नहीं है कि आप उन सबको एट अ टाइम कर सकें, सो उनको फिर ये बारी बारी करते हैं उसकी मेंटेनेंस ताकि वो मेंटेन भी रहें और जो है वो ट्रैफिक का फ्लो वो भी डिस्टर्ब ना हो। सो काफ़ी यहाँ पे बैक एंड पे काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, टूरिस्ट को तो इतना आइडिया होता नहीं है, बट इट्स क्वाइट अ टास्क। अब जो है वो लंच का टाइम है, सो गूगल पे मैंने कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एक ढूंढा है तो वो मुझे मिल गया, तो वो सामने है करी एक्सप्रेस, वो आपको पाकिस्तान का झंडा भी नज़र आ रहा होगा, सो वहाँ चल के अब लंच करते हैं और फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है। दाल चावल आ चुकी है और अब इसको ट्राई करते हैं कैसे है। खाना अच्छा था, मज़ा आया खाने का, और काफ़ी दिनों बाद भी खाया तो ज़्यादा ही अच्छा लगा कुछ। अब मैं ज़रा दोबारा सड़कों पे निकल गया हूँ और एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद थोड़ा सा। तो जी मेरा एम्स्टर्डम का सफ़र जो है वो अब इख्तिताम पज़ीर हुआ और अब मैं निकला हूँ अपने अगले मंजिल की तरफ, और इस वक्त मैं हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल। ये बेसिकली यहाँ का मेन स्टेशन है जहाँ से ट्रेन्स और बसेस निकलती हैं डिफरेंट सिटीज़ को भी और डिफरेंट कंट्रीज़ को भी यूरोप में। सो अब मैं यहाँ से ट्रेन लूँगा और फिर मैं अगली मंजिल तक जाऊँगा, और वो अगली मंजिल क्या होगी वो आपको इंशाल्लाह पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।